नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार कुंभ 2021 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शाही स्नान पर सभी ट्रेन हरिद्वार आएंगी। ज्वालापुर, लक्सर या रुड़की स्टेशनों पर ट्रेनों को नहीं रोका जाएगा। अन्य स्टेशनों पर भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के DRM तरुण प्रकाश ने यह जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के DRM तरुण प्रकाश ने यह जानकारी दी है कि हरिद्वार कुंभ में जो भी ट्रेनें आ रही हैं वो सीधे हरिद्वार आ पाएंगी। शाही स्नान पर सभी ट्रेन हरिद्वार ही जाएंगी। ज्वालापुर, लक्सर या रुड़की स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने का इंतजाम नहीं है। वो ट्रेनें वहां रुकेंगी नहीं। अन्य स्टेशनों पर भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इस चलते जितनी भी ट्रेनें हैं वो हरिद्वार जाएंगी, जहां पर भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम किया गया है। RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे और इसके अलावा हरिद्वार जाने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की ले जाना अनिवार्य होगा। हरिद्वार कुंभ से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जूना अखाड़ा के 1000 नागा सन्यासियों ने दीक्षा ली है। नागा सन्यासियों ने खुद को श्राद्ध किया है। दुख हरण हनुमान मंदिर के पास ये श्राद्ध हुआ है। नागा सन्यासियों ने अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान भी किया है। तो लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं हरिद्वार से। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर और कुंभ मेले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नागा सन्यासियों ने अलकनंदा नदी के पास दीक्षा ली है। जूना अखाड़ा के 1000 नागा साधुओं ने श्राद्ध किया है। नागा सन्यासियों ने खुद का श्राद्ध कर दिया है। दुख हरण हनुमान मंदिर के पास ये श्राद्ध हुआ है। नागा सन्यासियों ने अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान भी किया है। जूना अखाड़ा के 1000 नागा सन्यासियों ने दीक्षा ले ली है। नागा सन्यासियों ने खुद का श्राद्ध किया है और इसके बाद अलकनंदा घाट पर स्नान किया गया। तुखरण हनुमान मंदिर के पास ये श्राद्ध कार्यक्रम हुआ। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। नागा सन्यासियों ने अलकनंदा घाट पर गंगा स्नान किया। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में आज से सन्यास दीक्षा का एक व्रत आयोजन शुरू हो गया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव और कुंभ मेला प्रभारी महंत महेश्वरी के मुताबिक सन्यास दीक्षा के लिए सभी चारों मढ़ियों, जिसमें 4, 16, 13 और 14 मढ़ी शामिल हैं, उन नागा सन्यासियों का पंजीकरण किया गया है। आवेदकों की बारीकी से जाँच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य और पात्र साधियों को ही चयन किया गया है। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले नागा सन्यासी को महापुरुष के रूप में दीक्षित कर अखाड़े में शामिल किया जाता है। 3 सालों तक महापुरुष के रूप में दीक्षित सन्यासी को सन्यास के कड़े नियमों का पालन करना होता है और गुरु सेवा के साथ साथ अखाड़े में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। 3 साल की कठिन साधना में खरा उतरने के बाद कुंभ पर्व पर उन्हें नागा बनाया जाता है। दीक्षा प्रक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर के निर्देश पर चल रही है। हरिद्वार ब्रह्मपुरी पोस्ट ऑफिस मार्ग के बंद किए जाने से नाराज ब्रह्मपुरी की जनता ने रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व कृषि उत्पाद मंत्री मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी में रह रहे लोगों के लिए मुख्य बाजार में जाने का पोस्ट ऑफिस मार्ग ही मुख्य मार्ग है। इस मार्ग को बंद किए जाने और पुराने पुल को हटाए जाने से क्षेत्र के निवासियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करना पड़ेगा। रेलवे के अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। तो संजय चोपड़ा की अगुवाई में रेल प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो प्रदर्शन किया जाएगा। ब्रह्मपुरी मार्ग बंद किए जाने से ये लोग नाराज हैं और मांग नहीं मानने पर आंदोलन करने की धमकी दी गई है।
जंगल की आग पर काबू पाने के लिए प्रदेश में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते एक हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंच गया है और एक हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात रहेगा और टिहरी झील से पानी लेगा। दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में तैनात रहेगा और भीमताल झील से पानी लेगा। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश में जंगल में आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैनीताल DFOTR बाजूलाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर से नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सकेगा। आपको बता दें कि भीमताल में फिलहाल अभी तक कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही जंगल की आग को देखते हुए अब वन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में 40 से ज़्यादा जगहों पर जंगल धधक रहे हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। साथ ही फायर वॉचर को 24 घंटे जंगल में लगी आग पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। चमोली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह विधानसभा बद्रीनाथ के देवड़ी बगड़ में जिला जनजाति कांग्रेस संगठन द्वारा आयोजित जनजाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदेश में भोटिया जनजाति के मालिकाना हकों के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में आवाज़ उठाने और सरकार के संज्ञान लिए जाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई महिला मंगल दलों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह, पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिला चमोली कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर सम्मान स्वरूप तलवार भेंट की। जनजाति के भाइयों, आज आप और हमारा हर समय इम्तिहान होता है। 2022 में भी इम्तिहान की घड़ी आपके सामने और हमारे सामने है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जनजाति के हमारे चाहे भाई हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग बाप हो, हर व्यक्ति हर कसौटी पर खरा उतरने का काम करेगा और कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम करेगा। ये विश्वास में भंडारी जी को दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज परीक्षा की घड़ी जनजाति के लोगों की है और जब हम हमारी परीक्षा होती है तो हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का काम करते हैं, पास होने का काम करते हैं। और आज हालत देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, यही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण देने का काम। आज हमारी मातृशक्ति, आज अगर रजनी भंडारी जी अध्यक्ष के, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, तो सिर्फ इसलिए है कि राजीव गांधी जी ने पंचायतों में और नगर निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने का काम। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में लगी तारवाड़ को पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने हटाया। मौके पर पहुंची टीम ने नो मैंस लैंड पर दोनों तरफ से हो रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी है। इस दौरान नेपाली आर्मी और SSP की टीमें भी शामिल थी। नो मैंस लैंड पर लगी तारवाड़ की सूचना पर तहसीलदार यूसुफ अली, झनकैया थानाध्यक्ष दिनेश टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ में तहसीलदार अली ने बताया कि नो मैंस लैंड पिलर पर शील रतन में आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए तारबाड़ लगाई थी। मौके पर पहुंची टीम ने तारबाड़ हटाते हुए नो मैंस लैंड के दोनों तरफ अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। SSP जो बॉर्डर पे हमारी खटीमा मेला घाट रोड पे,
उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बॉर्डर पर जो नोमैन्स लैंड है उस पर जो है तारवाड़ करके अतिक्रमण कर लिया गया। उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मेरे द्वारा और पुलिस एसओ जो हैं झनकट के द्वारा जो है मौके पर गए और मौके पर जाके जो है उसको जो है तारवाड़ को हटा दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।